दोस्तों एक कहावत है, स्पीड इज मीनिंगलेस इफ यू आर रनिंग इन ए रॉन्ग डायरेक्शन। एक हिंदी की कहावत है, मर्ज बढ़ता गया ज्यो ज्यो दबाते। किस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं आइए समझते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया आर्किटेक्ट के बारे में, जिसमें सेक्शन 37 के बारे में बातचीत हुई और यह कहा गया कि आर्किटेक्चर सर्विसेज पर कोई रोक नहीं है, सिर्फ आर्किटेक्ट टाइटल पर आर्किटेक्ट का अधिकार है और कोई भी भवन निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है, भले ही वो आर्किटेक्ट ना हो। इस पे खूब चर्चा शुरू हो गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ने इस पर विचार करना शुरू करा, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने विचार करना शुरू करा और सारे विद्वानों की राय बनी कि जब तक आर्किटेक्ट सेट में अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक मामला सुलझेगा नहीं। तरह तरह की वेबिनार्स हुई, चर्चा हुई और उसमें जो सुझाव सामने आ रहे हैं आइए उनको विस्तार से समझते हैं। एक सुझाव यह सामने आया कि इसमें आर्किटेक्चर सर्विसेज का जिक्र नहीं था, तो आर्किटेक्चर सर्विसेज शब्द का इस्तेमाल करें अमेंडमेंट में और सिर्फ टाइटल की बात ना हो, आर्किटेक्चर सर्विसेज की बात हो। बड़ी कन्वीनियंटली ये लोग ये भूल गए कि 1972 से पहले भवन निर्माण कौन करता था, आर्किटेक्ट टाइटल तो प्रोटेक्टेड था नहीं, तो सिविल इंजीनियर्स या नक्शानवीस भवन के नक्शे पास कराते थे, म्यूनिसिपैलिटी कभी नक्शे पास करती थी और ये गतिविधि चलती जा रही थी और तब से लेकर आज तक बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज सिविल इंजीनियर्स को भवन निर्माण के लिए बिल्डिंग प्लान सबमिट करने का लाइसेंस देती हैं। उसमें एक सीमा निर्धारित की गई है कि इतना बड़ा भवन निर्माण सिविल इंजीनियर कर सकते हैं और कितना बड़ा भवन निर्माण आर्किटेक्ट्स कर सकते हैं। एक और चीज पे चर्चा होनी शुरू हुई, फर्जी आर्किटेक्ट्स पे जुर्माने की। अभी फर्जी आर्किटेक्ट्स पे जुर्माना बहुत कम है क्योंकि 40 साल पहले जब एक्ट बना था तो जो रकम तय की गई थी उस जमाने में अच्छी मोटी रकम थी। अब ये सुझाव दे रहे हैं कि इसको 5,00,000 रुपए कर दिया जाए जुर्माना। दोस्तों मैं इससे सहमत नहीं हूं। देखिए अगर जुर्माना कम होगा तो जो भी फर्जी आर्किटेक्ट है उसके लिए बड़ी सुविधा रहेगी कि वो अदालत में अपनी गलती माने, अदालत उसको 500,000 रुपए की सजा सुनाए और वो जुर्माने का भुगतान करे और जेल जाने से बच जाए, उसका वकील भी उसको ही राय देगा। आप लोग एक बात नहीं समझ रहे कि जब अदालत ने उसके ऊपर जुर्माना कर दिया तो सजा याफ्ता मुजरिम हो गया, क्योंकि यह मामला आर्किटेक्ट का उल्लंघन का एक क्रिमिनल मामला है। तो क्रिमिनल केस में उसको सजा हो गई अदालत से तो उसके बहुत सारे अधिकारों से वंचित हो गया, वो पंचायत तक का भी चुनाव नहीं लड़ सकता। अब इस जुर्माने को अगर आप 5,00,000 रुपए कर देंगे तो वो विचार करेगा कि वकील 11,000 लेगा, 21,000 लेगा, 51,000 लेगा, 5,00,000 रुपए तक तो मेरे कभी खर्च होने वाले नहीं और 10-15 साल तक मैं मुकदमे को खींच लूंगा। इसमें सुझाव ये होना चाहिए कि उसकी जो जुर्माना है वो ज्यादा 10,000 रुपए रखा जाए और बार बार अगर वो गलती कर रहा है तो जुर्माना लगातार बढ़ता जाए, इस तरह का अमेंडमेंट हो। फर्जी आर्किटेक्ट्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए आपके पास एक्ट में पहले से ही प्रावधान है, आप उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे, आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करा रहे, जो आरटीआई से जानकारी से काउंसिल ने मेरे को बताया। आप सिविल इंजीनियर्स को प्रतिबंधित करने की कोशिश करेंगे, सिविल इंजीनियर्स की संख्या आर्किटेक्ट से बहुत ज्यादा है। एक्ट को
पास करना है संसद में। लोकतांत्रिक सिस्टम में सभी स्टेक होल्डर्स की बात सुनी जाती है। सिर्फ आपके कहने से आर्टिस्ट एक्ट में इस तरह का अमेंडमेंट नहीं हो जाएगा कि आर्टिस्टल सर्विसेज पे या भवन निर्माण पे सिर्फ आर्टिस्ट का अधिकार है। ये बात सामने आएगी कि जो हजारों लाखों इंजीनियर्स आज तक भवन निर्माण करते आ रहे हैं, म्यूनिसपैलिटीज ने उनको लाइसेंस दिया है, नेशनल बिल्डिंग कोड में इस प्रकार की व्यवस्था है कि कैसे किस साइज के भवन के लिए उनको अधिकार दिया जाए। तो इंजीनियर्स की एक बहुत बड़ी लॉबी है, उनकी एक बहुत बड़ी संख्या है, उनकी बात संसद सुनेगा। और इस तरह का अमेंडमेंट आप कभी नहीं करा पाएंगे कि आर्किटेक्चर सर्विसेज पे सिर्फ आर्किटेक्ट का अधिकार हो। एक और जो गंभीर मामला है वो है एग्जिट एग्जाम या सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एग्जाम का। हर साल तकरीबन 25,000 नए युवा आर्किट्स आर्किटेक्चर पास करके निकलेंगे। आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक दो साल की नौकरी कराई जाए, जिसको आप बोलते हैं ट्रेनिंग दी जाए, और उसके बाद उसका एग्जाम लिया जाए, उसमें वो पास हो तो उसको आप रजिस्टर करें, ये नहीं होगा संभव। आप लोगों ने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया, आप इनसे एग्जाम कैसे ले लेंगे। इनकी एक बहुत बड़ी संख्या है जो संसद में इस बात का विरोध करेगी, इसको पास नहीं होने देगी। आर्किटेक्ट सेक्टर में आपके पास कितनी बढ़िया सुविधा है, आपके पास सुविधा है एजुकेशन को रेगुलेट करने की। मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन 1983 का गजट नोटिफिकेशन हुआ था, उसके बाद आपने उलझुल तरीके से नए मिनिमम स्टैंडर्ड्स बना दिए। मामला अदालतों में गया, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को उसमें हार का सामना करना पड़ा। अदालतों ने कहा कि 1983 के बाद के मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन आपके गजट नोटिफाई नहीं है। आप स्वयं आर्किटेक्ट एक्ट में बताए गए सेक्शंस का पालन नहीं करते, आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन नहीं करते। आपने आरटीआई में मेरे को जवाब दिया कि हमारी कोई एजुकेशन कमेटी नहीं है। 450 आर्किटेक्चर स्कूल देश में चल रहे हैं, आपकी कोई एजुकेशन कमेटी नहीं है, तो उन आर्किटेक्चर स्कूल्स को रेगुलेट कौन करता है। एक और वानगी देखिए, आपने आरटीआई में मेरे को जवाब दिया कि जो फैकल्टी है उसकी सैलरी पे कमीशन के हिसाब से होगी। सैकड़ों आर्किटेक्चर स्कूल्स में आपने कभी इस बात को तस्दीक करने की कोशिश नहीं की कि जो फैकल्टी है उसको पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही। ये सारे आर्किटेक्चर स्कूल्स उस फैकल्टी को भर्ती करते हैं जो उनको सस्ते भाव में मिलती है। सस्ते भाव में कौन मिलता है? जो नए आर्किट्स पास करके निकलते हैं वो कहते हैं बाजार में काम नहीं मिल रहा, चलो 15,000 में नौकरी कर लेता हूं, 20,000 में कर लेता हूं, 25,000 में कर लेता हूं। सीनियर फैकल्टी ये लोग भर्ती करेंगे तो पे कमीशन के हिसाब से सैलरी ना देने पड़ेगी, उसका भी इन्होंने इंतजाम ढूंढ लिया। म्यूनिसिपल कमेटी से रिटायर्ड लोग जिनको वहां पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रही है उनको अपने आप प्रोफेसर दिखा देते हैं, उनसे इस तरह की व्यवस्था कर ली जाती है कि आप हफ्ते में एक दफे आ जाइए, दो दफे आ जाइए, हम आपको फुल टाइम फैकल्टी दिखाएंगे और 50,000-60,000 पर महीना, 70,000 पर महीना आपको दे देंगे। उस व्यक्ति को बड़ा सूटेबल लगता है कि सरकारी पेंशन तो मिल ही रही है और यहां पर कुछ मेहनताना मेरे को और मिल जाएगा, वो इनको अपना नाम इस्तेमाल करने की अख्तियार दे देता है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि जो प्रोफेसर की पोस्ट है इस प्रोफेसर की पोस्ट पे कमीशन के हिसाब से कितनी सैलरी मिलनी चाहिए और ये कॉलेजेस कितनी सैलरी उसको दे रहे हैं। आप अपने बनाए हुए एक्ट का पालन नहीं कर रहे, आप उसमें परिवर्तन की बात कहते हैं, आप कहते हैं सारे दुख आपके मिट जाएंगे अगर इसमें आर्बिट्रल सर्विसेज ऐड हो जाए, इसमें जुर्माने की राशि बढ़ा दी जाए,
इसमें ये परिवर्तन कर दिया जाए, उसमें वो परिवर्तन कर दिया जाए। तभी मैंने कहा स्पीड इज मीनिंगलेस इफ यू आर रनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। इंजीनियर्स की बड़ी लॉबी आर्किटेक्चुरल सर्विसेज को, पर आपका एक्सक्लूसिव राइट नहीं होने देगी। नए युवा आर्किटेक्ट जो पास करके निकल रहे हैं वो कभी इस अमेंडमेंट को पास नहीं होने देंगे कि आप दो साल तक, एक साल तक उनका शोषण करें और उसके बाद आप उसका एग्जाम लें और उसके बाद ये अख्तियार आपके हाथ में आ जाए कि किसको पास करना है, किसको फेल, और किसको आपने आर्किटेक्ट बनाना है, किसको नहीं बनाना। जब तक आप सारे समाज को साथ लेकर नहीं चलोगे, जब तक किसी भी एक्ट में आप किसी प्रकार के अमेंडमेंट कर पाने में सफल नहीं होंगे। आज एक नई चर्चा चलती है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की, पीसीबीसी कंप्लायंस बिल्डिंग की, इसकी करेंगे आगे चर्चा। एक नए वीडियो में इसकी भी चर्चा करेंगे कि ईसीबीसी कंप्लायंस के नाम पर देश में क्या फ्रॉड हो रहा है, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के नाम पर क्या फ्रॉड हो रहा है। दोस्तों, मेरा आईएए के विद्वानों से भी निवेदन है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की नई टीम से भी निवेदन है कि आर्किटेक्ट सेक्टर में इस प्रकार के अमेंडमेंट की कोशिश ना करें जो कभी भी लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में कभी पास नहीं होगी। आपको जो अधिकार इस सेक्टर में मिले हैं, आपके पास अधिकार है कि सरकारी नौकरियों में जो आर्किटेक्ट्स की पोस्ट हैं उसमें से आर्किटेक्ट्स बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस नए डिसीजन में इस बात को भी एंडोर्स करा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक डिसीजन दिया था जिसमें ये बात कही गई थी कि देश भर में कोई भी म्यूनिसपैलिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी आर्किटेक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का रजिस्ट्रेशन सफिशियंट है। उसको आपने आज तक लागू नहीं कराया। मुझे बताया गया कि अगरतला में कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाख रुपए से ज्यादा फीस मांग रही है आर्किटेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन करने की। पीछे एक वेबिनार में मैंने देखा हरियाणा के एक आर्किटेक्ट ने अपनी तकलीफ बयान की कि हरियाणा में ढेर सारी म्यूनिसिपल कमेटीज हैं जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा ले रही है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के लिए बहुत जरूरी है कि जो आपके पास एक्ट है उसका मजबूती से पालन कराएं। जो भी नियम में आप परिवर्तन चाहते हैं आपको ख्याल रखना पड़ेगा सारे स्टेक होल्डर्स का। वो स्टेक होल्डर्स में देश का नागरिक है, इस प्रोफेशन में काम करने वाले और लोग, सिविल इंजीनियर्स हैं, सर्वेयर्स हैं, नक्शानवीस हैं, और जिनसे जिनका जीवन इस नए एक्ट में कि नई धाराओं से प्रभावित होगा वो बच्चे हैं जो आर्किटेक्ट बनकर निकलेंगे। इस पर विचार करें, उसी हिसाब से अमेंडमेंट के प्रयास करें, वरना यह प्रयास आपका विफल होगा। नमस्कार।